जी हाँ बिल्कुल। मैं बात हमारे बिहार के उसी उम्दा एक्टर की कर रही हूँ, उसी बिहार के एक्टर की बात कर रही हूँ जिसकी कुछ ही दिन पहले मैं आत्महत्या उन्होंने की है ये मानने के लिए मैं अभी तक तैयार नहीं हूँ। क्योंकि जो हम बिहारी होते हैं ना, हम दिल से बड़े मजबूत होते हैं, और इसका जज्बा दिखाने के लिए हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप आँख उठा के किधर भी देख लीजिए, आपको बिहार के टॉपर्स कहीं पे भी नज़र आ जाएंगे। बुरा मत मानिएगा, इसको दिल पे लेने की कोई बात नहीं है, बट ऐसा है कि हम बिहारी जो होते हैं बहुत कुछ करने का जज्बा रखते हैं। जैसे कि अभी एक बात आपसे बोलना चाहूँगी। मैं खुद भी एक एक डॉक्टर हूँ, एक ब्यूटी पेजेंट विनर हूँ, एक IVF एक्सपर्ट हूँ, विजाइनल रिजुविनेशन सर्जरीज करती हूँ जिसका कि किसी ने यहाँ पर नाम भी नहीं सुना होगा, और मुझे लगता नहीं है कि आस पास कहीं इस पूरे सीमांचल के रीजन में, या मेरे ख्याल से पटना में भी शायद ये ऑपरेशंस नहीं होते होंगे जो मैं कर लेती हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। अब आपको समझाना, जो डॉक्टर्स मेरे फ्रेंड हैं वो शायद बिल्कुल समझ जाएंगे। उसी तरीके से बीइंग अ बिहारी, मैं एक डॉक्टर हूँ, एक IVF एक्सपर्ट हूँ, एक ब्यूटी पेशेंट विनर हूँ, एक पॉलिटिकल फिगर हूँ। जिस तरीके से सुशांत कपूर एक बहुत ही अच्छे एक्टर थे, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट थे, 7th रैंक होल्डर थे, क्वांटम की उन्होंने पढ़ाई कर रहे थे, और क्या क्या उन्होंने अपने घर पे वो सॉरी नॉट माइक्रोस्कोप, दो टेलीस्कोप फ्रॉम वेयर यू कैन सी द यू नो स्टार्स एंड ऑल, वो सब देखते थे, वो डायरी लिखते थे, और इतनी इंटेलिजेंट बातों को वो नोट करते थे। मेरी सबसे पहले एक चीज़ तो ये मेरे भी दिमाग में क्वेश्चन आया कि जो इंसान अपने अपने लाइफ में इतना बिजी होने के बावजूद भी, इतना ज़्यादा आगे बढ़ने के बाद भी वो डायरी लिखते थे, और डायरी में अपनी वो लिखते थे कि ये मेरी ख्वाहिशें हैं या ये मैं करना चाहता हूँ, वो मरने के पहले ये नहीं लिखेगा कि मैं मरने जा रहा हूँ। मतलब थोड़ा सा सोचिए, वो सुसाइड अगर उन्होंने किया है तो जो इंसान के कमरे से 5 डायरी मिली, 5 डायरी में से जिसमें वो अपने की हुई हर चीज़ को लिखते थे कि मेरे ये शौक है, या मैं ऐसा करता हूँ, या मैं इस तरह से अपनी चीज़ों को चेरिश करता हूँ, उन्होंने अपनी डायरी में ये सुसाइड नोट नहीं लिखा, या ऐसा कुछ भी नहीं निकला उनकी डायरी से कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, या मैं परेशान हूँ, या आई एम गोइंग टू टेक माई लाइफ। बिकॉज उनके आसपास जितने भी लोग थे, अगर वो सुसाइड नोट नहीं लिखते हैं तो सारे के सारे शक के दायरे में आ जाते हैं, और इस तरीके से वो कभी नहीं चाहेंगे सुशांत कि अपने उनके खुद के परिवार वाले या उनके घर वाले शक के घेरे में आए, क्योंकि वो काफ़ी अटैच थे अपने फादर से। उनकी मदर तो थी नहीं, उनकी एक सिस्टर थी। अब तरह तरह की बातें चल रही हैं। जो मीडिया है, मीडिया ने सबसे पहले खबर ब्रेक की थी कि सुसाइड कर लिया है सुशांत सिंह राजपूत ने। ये जो एंकर है, मिस्टर एंकर और मिसेस एंकर, हु आर यू टू डिसाइड दिस दैट दे हैव कमिटेड सुसाइड, द पर्सन हैव कमिटेड सुसाइड? डू यू गॉट द पोस्टमार्टम रिपोर्ट? आपने किसी डॉक्टर से पूछा? जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना हो जाए, हमें पूरी तरीके से तसल्ली ना हो जाए, जो डॉक्टर्स ने आपको रिपोर्ट नहीं दिया, आपने पहले ही बुलेटिन में क्रैक कर दिया कि सुशांत सिंह जो है वो उन्होंने आत्महत्या कर ली, आप ये बोलिए कि सुशांत सिंह मृत पाए गए। अब वो आत्महत्या है या हत्या है, वो काम इन्वेस्टिगेशन का है और पुलिस का है, ये काम आपका नहीं था। ये एंकर्स जो हैं, और अच्छा, और आपने पता नहीं ये बात ध्यान दी कि नहीं, विकिपीडिया पे सुबह 8:59 पे ये अपलोड हो जाता है कि सुशांत सिंह ने सुसाइड कर लिया, जबकि सुशांत सिंह 9:30 पे अपने रूम से बाहर आए, जूस पिया और फिर वापस अपने रूम में गए। और इत्तेफाक पे इत्तेफाक देखिए, उस दिन रूम की दूसरी सेकेंड जो की होती है वो भी उनके पास नहीं थी, वो मिसिंग है अभी तक। एंड इतनी शॉर्ट टर्म में जो इंसान खेल रहा हो, वीडियो गेम खेल रहा हो, लास्ट नाइट उसने पार्टी की हो, और दिस मॉर्निंग 9:30 वो बाहर निकले, उन्होंने अनार का जूस लिया, पोमेग्रेनेट जूस, और वो प्ले स्टेशन पर वीडियो गेम खेल रहे थे, और खेलते खेलते अचानक से उनका मन किया कि मैं टंग जाऊँ। मतलब एक सोचने की बात बता रही हूँ मैं। एंड
वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन ही वॉज, इतने 6 feet के थे और उनके जो बेड से जो मुझे लगता है जगह जो उनका अगर नापा जाए तो वो काफ़ी कम डिस्टेंस पे थी, और आपको लगता है कि वो जो दुपट्टा या पर्दा, या कभी ये लोग बोलते हैं दुपट्टा, कभी ये लोग बोलते हैं कपड़ा, कभी ये लोग बोलते हैं कुछ, वो हरा कपड़ा वो देखने से तो मुझे कहीं से भी नहीं लगता है कि मतलब सुशांत सिंह की वो बॉडी को वो उठा भी पाएगा, वो तो मुझे लगता है वो कपड़ा मुझे भी नहीं उठा पाएगा, मतलब मैं भी इतनी भारी तो हूँ कि मुझे लगता है कि वो कपड़ा कपड़े से तो मैं भी नहीं उठूंगी, वो सुशांत सिंह की बॉडी को कैसे वेट वेट उसने इतना ले लिया, अरे यू वंडर। और उससे ज़्यादा तो बेस्ट हमारी मीडिया है। और पुलिस ने पहुंचने के साथ साथ मुझे ये भी सुनने को पता चला कि जो है उनकी लाश वो बिस्तर पे पाई गई, बिस्तर पे लेटी हुई पाई गई। आई रियली वंडर कि एक पतली सी एक लाइन जैसी उनके गले पे रेड कलर की थी, जो कि साफ क्लियर कट इंडिकेट करती है कि रोप, एक रस्सी की जैसा वो दिख रहा है, उसका निशान है। यूजुअली जो वो पर्दा था वो अगर आप देखें तो उसके हिसाब से वो मोटी मोटी होनी चाहिए थी, वो जो निशान होते हैं वो मोटा चौड़ा होना चाहिए था। अगर आपको लगता है कि सुशांत सिंह ने अगर उस रोप से उस रस पर्दे से अगर आत्महत्या की हो, हालांकि मुझे लगता है कि उससे तो अगर मेरे जैसे कोई लटक जाए तो वो भी ना मरे, वो फट के नीचे गिर जाएगा, या पंखे के ब्लेड को कुछ तो प्रॉब्लम होगी, वो लोग इतने फिट होते हैं जो ये एक्टर्स होते हैं तो उनका वेट उठा लेगा, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता। एंड बींग सच अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, बींग सच अ ब्रिलियंट स्टूडेंट सुशांत सिंह राजपूत, सो फुल ऑफ लाइफ, पोमोग्रेनेट जूस पी के रूम के अंदर गए और सुसाइड कर लिया, थ्योरी समझ में आती है आपको कहीं से? 9:30 बजे अपनी बहन से बात की और बोला, बहन मैं तुमसे लास्ट टाइम बात कर रहा हूँ ना, गोना सुसाइड, वाओ व्हाट्सअप व्हाट अ प्लान, क्या है भाई? उनके इंस्टाग्राम के सारे वो डिलीट हो रहे हैं धीरे धीरे करके, सारे वीडियोज मैनिपुलेट किए जा रहे हैं, कौन कर रहा है? हमारे बिहार का बेटा आत्महत्या कर गया, मैं मानने के लिए नहीं तैयार हूँ, मैं मान ही नहीं सकती। हमें बहुत फाइट करने की हिम्मत होती है, और सुशांत सिंह राजपूत जो यहाँ ज़ीरो से, जो कि ज़ीरो से सक्सेस के लिए लड़के वहाँ तक पहुँचे हैं, वो सिर्फ इसके लिए मर जाएंगे कि उनका 6-7 फिल्में छिन गई हों उनसे, ये जो भी हुआ हो, गैंगिज्म हो या नेपोटिज्म, वट एवर इट इज़, सो वट, वो ज़ीरो से उन्होंने स्टार्ट किया था, इसके पहले तो पहले ही मर जाते वो शुरू का स्ट्रगल देख के। जैसे कि मैंने जब यहाँ पे अपना IVF स्टार्ट किया था तो मुझे भी, मेरे पर बोलने वाले बहुत लोग थे, एक साथ मुझे भी कई बार काफ़ी नेगेटिव प्रेगनेंसीज देखने को मिली, तो मुझे भी सुनना पड़ता है पेशेंट्स का या देखना पड़ता है, सभी की ज़िंदगी में प्रेशर आता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हाँ हमारी ये फिल्म जो है ये फ्लॉप कर गई तो अब मुझे तो कुछ मिलेगा ही नहीं, तो मैं अब मर जाता हूँ। भाई रीजंस तो होने चाहिए, आप मुझे बताइए कि कैसे। और अच्छा, उनके घर में जो लोग मौजूद हैं उनकी मनस्थिति के बारे में उनको नहीं पता है, और पोमोग्रेनेट का जूस पी करके वो चले जाएंगे कि अच्छा ठीक, चलो चलो चलो, अब मैंने गेम भी खेल लिया, पोमोग्रेनेट जूस भी पी लिया, और सुबह का टाइम है, चलो अब मैं मर लेता हूँ। मुझे हंसी आती है इस बात पे। और जब CBI की जांच हम डिमांड कर रहे हैं, हम सारे बिहार के बिहारवासी और सभी कह रहे हैं, मैंने देखा शेखर सुमन जी को भी कि वो चाहते हैं, हम सब चाहते हैं, उनकी फैमिली चाहती है कि उनका CBI जांच हो, तो क्यों नहीं कर रहे आप? अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है उन्होंने सुसाइड किया, लेट इट बी, तो होने दो ना CBI जांच। महाराष्ट्र पुलिस ये केस अपने पास क्यों रखी हुई है? CBI को सौंप दीजिए ना। अगर आपको लगता ही है कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपने सोल को मार दिया, खुद को मार लिया, आत्महत्या कर लिया, तो लेट इट बी, दूध का दूध पानी का पानी, आप दे दो उनको केस CBI को, हमें भी पता चल जाएगा, हम भी संतुष्ट हो जाएंगे, हम भी आपके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे। वरना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डाइजेस्ट नहीं होती, सवाल तो हम पूछेंगे। हमारा भारत का, इंडिया का, बिहार का इतना ज़्यादा इतना अच्छा एक्टर, इतना बड़ा एक्टर गया है, इतना बड़ा सेलिब्रिटी गया है, मैं नहीं मानती कि वो इतने कमज़ोर थे कि वो आत्महत्या कर लेंगे। ऐसी कई चीज़ें बिहार में हम बिहारी फेस करते हैं बाहर जाके, पर ऐसा कभी नहीं है कि इन छोटी चीज़ों को लेके हम जो है सुसाइड करने बैठ जाएं। नो इट्स नॉट डन। रूम की कीज़ कहाँ थी? सेकंड कीज़ कैसे इतने शॉर्ट नोटिस पे बन गई? दूसरी बात, वो जो पर्दा चादर या वो क्या था वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। मैं फिर से बता रही हूँ, वो जो हरा रंग का टंगा हुआ दिख रहा था उससे तो मैं खुद बोल रही हूँ, क्योंकि मैं भी टंग जाऊँगी ना तो वो मेरा वेट भी नहीं ले पाएगा, वो तो इतने हट्टे कट्टे थे,
सोचने की बात है। तीसरी बात, वो जूस पी के और एकदम प्ले स्टेशन खेल के उसके बाद बोले कि चल अब मर लेता हूँ, है ना, और वो फ़ोन करते हैं उसके पहले 9:30 बजे अपनी बहन को कि बहन ये लास्ट कॉल है मेरा, अब मैं चलता हूँ, हाँ तू अपना ख्याल रख। जो इंसान 5-5 डायरिया रखता हो, डायरिया लिखने का शौक़ हो, जैसे जो पूरा टाइम अपनी वो सारे मेट्रियोर स्टार्स देखते थे, रात को बैठ के उनके बारे में डिस्क्रिप्शंस लिखते थे, अपने ख्वाबों के बारे में डिस्क्रिप्शंस लिखते थे, वो आदमी एक सुसाइड नोट छोड़ के नहीं जाएगा, वो अपनी डायरी में ये तक नहीं लिखेगा कि मैं क्यों मैं अपनी लाइफ क्यों ले रहा हूँ। और अगर उन्होंने सुसाइड नोट नहीं छोड़ा तो ये सोचिए कि आखिर इसके पीछे क्या राज है। और नॉर्मली जो फिर से बोलती हूँ कि रोप जैसे जब नॉर्मली कोई आत्महत्या करता है तो रोप की एक पतली सी लाइन होती है गले के ऊपर में, उनकी तो उनकी जो दुपट्टा या पर्दा जो भी है वो इतना चौड़ा कैसे हो गया। और सुशांत सिंह जब 9:30 बजे अपने रूम के बाहर निकले थे तो विकिपीडिया पे 8:59 पे ही कैसे अपडेट हो गया कि सुशांत सिंह राजपूत ने हैज़ कमिटेड सुसाइड, ये विकिपीडिया वालों को पहले से मालूम था। बड़े जानकार है भाई, हमें भी थोड़ा भविष्य बता दे कि अगला सत्ता किसका हो रहा है, फिर से बीजेपी गवर्नमेंट आ रही है, कोलिशन गवर्नमेंट आ रही है, फिर से नीतीश जी बनेंगे क्या। हाँ नीतीश जी से याद आया, शेखर सुमन जी अभी पटना आए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कि ऐसा कुछ हुआ, सीएम हमारे जो हैं नीतीश कुमार वो मुलाकात नहीं कर रहे, बोले मुझे कोरोना हो जाएगा, हमें नहीं होगा, उनको नहीं होगा। और जो ये तेजस्वी यादव आए शेखर सुमन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनकी मैं स्वागत करती हूँ, इस मूवमेंट का बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत ही अच्छा मूव है। तेजस्वी यादव को कोरोना नहीं होगा, शेखर सुमन को कोरोना नहीं होगा, जितने भी वहाँ पे लोग जो प्रेस के लोग हैं उनको कोरोना नहीं होगा, सिर्फ आप ही लोगों को कोरोना होगा। तबीयत थोड़ी नासाज भी दिख रही थी कल हमारे प्राइम मिनिस्टर की भी, जब वो टीवी पर आए थे 4 बजे तो मुझे देख के लग रहा था उनके मूछें और ये पूरे बिल्कुल वाइट, तो एज का होगा तो असर तो होगा ही, तो थोड़ी सी तो उनकी भी नासाज मुझे तबीयत मुझे लग रही थी। पर मैं उनको बोलना चाहती थी कि क्या एक ही कोरोना ने होश ठिकाने लगा दिए सीएम पीएम के। अब पता चला हम डॉक्टर्स किन किन चीज़ों से लड़ते हैं, आप तो सिर्फ कोरोना से लड़ रहे हो और आज आपको पता चल रहा है, हम तो HIV से भी डील करते हैं, उनके केसेस भी करते हैं हम, HBS AG से भी लड़ते हैं, हमने तो कभी नहीं कहा कि हम अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे। तब तो बड़ी आंखें दिखा दिखा के बोलती डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी नहीं करते हैं, अब निकलो बाहर, क्यों नहीं निकल रहे नीतीश कुमार जी, निकलिए ना बाहर, कोरोना से क्या बिहार का लाल गया है, ऐसे ही छोड़ देंगे क्या हम, हमें CBI इंक्वायरी चाहिए, हम डिमांड करते हैं, हम महाराष्ट्र की CM से भी डिमांड करते हैं, हमें CBI इंक्वायरी चाहिए। चलो ठीक है आप बोलते हो कि ये सुसाइड है, चलो ठीक है आप बोलते हो सुसाइड है तो प्रूफ करो, कराओ CBI, हम भी मान जाएंगे। जब दिक्कत ही क्या पड़ रही है, जब आपको लगता ही है कि उन्होंने सुसाइड किया है तो फिर कराओ CBI, फिर डर किस बात का, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और हमें भी संतुष्टि मिल जाएगी इतने में। अच्छा पहले तो मैं फ़ोन लगा रही थी पंडित जी से, वो ज़रा टाइम पूछना था कि अपने जो CM है ना वो बाहर कब निकलेंगे गुफा से, वो क्या है ना कि उनको कोरोना हो जाएगा इसका डर है उनको, तो वही मैं सोच रही थी कि कल PM ने तो 8 बजे की जगह वो 4 बजे ही आ गए, टाइम अपना पहले कर दिया, तो मैं सोच रही थी कि इनसे भी ज़रा पूछ लूँ कि आपका भी मुहूर्त चेंज हुआ है क्या, जस्ट पूछ रही हूँ, किडिंग यू नो। अच्छा एक बात बताइए कि अभी जो 20 जवान हमारे सरहद पे शहीद हुए, ठीक है 20 जवान हमारे शहीद हुए चले गए इस दुनिया से, आपको याद होगा पुलवामा का अटैक जो कि चुनाव के ठीक पहले हुआ था, ध्यान होगा ना पुलवामा के अटैक में जो 40 जवान शहीद हुए थे उनको बुला करके हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पूरी हाथ दोनों जोड़ के नमन करके श्रद्धांजलि दी थी और दिल्ली बुलवा करके उनको तिरंगे में लिपटवा के और तब उनको श्रद्धांजलि दी गई। मुझे ये पूछना है कि इस कोरोना में हमारे जो चाइना के युद्ध में जो 20 लोग जो सरहद पे हमें बचाते बचाते जो शहीद हो गए उनकी डेड बॉडीज को दिल्ली क्यों नहीं बुलाया गया, उनको तिरंगे में लिपटवा के दिल्ली बुला के उनको श्रद्धांजलि क्यों नहीं दी गई, क्या एक भी बीजेपी नेता या कोई भी एक बीजेपी के मंत्री को आपने देखा श्रद्धांजलि देते हुए, मैंने तो नहीं देखा। हाँ मैंने ये ज़रूर सुना कि 2 दिन के लिए वर्चुअल रैली की कुर्बानी दी गई है कि हम वर्चुअल रैली नहीं करेंगे, ये आपकी शहादत है, ये आप उनको नमन देते हैं, ये आपकी श्रद्धांजलि है।
और 4 बजे कल आप आए सर, तो आई रियली वॉन्ट टू टेल यू कि अब आके क्या करा क्या आपने भाई, हाँ इतना वेट कराते हैं आप, फिर आप आते हैं टीवी पे और कुछ भी आके बोल के चले जाते हैं, एक ही चीज़ को 5 बार बोलते हैं। अरे कुछ 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 अलग बोलिए ना, हमें लगे कि प्राइम मिनिस्टर हमारे आए हैं, हमें लगे कि भाई कुछ बोला जा रहा है या कुछ अच्छा लगे कि हाँ प्राइम मिनिस्टर इज़ देयर फॉर अस और कुछ बड़ी चीज़ें हो रही हैं, ऐसा तो कुछ लगा नहीं हमें। अब आए आपने बोला गरीबों को और 5 महीने तक खाना मिल जाएगा, इतने करोड़ उनके गरीबों को खाना मिला है। सर कहाँ मिला है पूछना चाह रही हूँ मैं पूछना चाहती हूँ कहाँ पे मिला है। आपको जो बताया जा रहा है ना, ज़रा ज़ीरो लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे चेक कीजिए। 100 में से मुझे लगता है कि 80% को तो खाना खुद जनता ने जनता को पहुँचाया है, हम इंसान ने इंसान को खाना खिलाया है, हम लोगों ने भेजा है। आपने जो खाना भेजा वो कहाँ से भेजा, वर्चुअल भेजा क्या? जो यहाँ से दिखता है रोटी वो आसमान में दिख रही है, वो तो एक दूर चांद रोटी वैसे ही दिख रहा है, वो था क्या? मुझे तो ग्राउंड लेवल पे मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे राशन पहुँचा है। और मेरे घर में जो लोग काम करते हैं उन्होंने हमें बताया था कि हाँ बीच में एक बार ऐसा हुआ था कि एक आध बोरी ला के पटक दी गई बस्ती में और बोला कि हाँ हाँ बस इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, हो गया, अब यही है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ये जो ग्राउंड लेवल पे जो काम है सर, ये ज़रा चेक करके आप लोग अपने आंकड़े देख के बोला कीजिए ना सर, क्यों भ्रमित करते हैं लोगों को। बींग अ सिटीजन मैं तो बोलूँगी, आपने टीवी पे आके बोल दिया कि मैं जनता को 5 महीने तक का अलग से मुफ्त का अनाज दूंगा पूरे 5 महीने, अगले 5 महीने तक। सर पिछले कुछ महीने पे आपने दिया क्या? आपको पता भी है कि सबको खाना मिला भी है? नहीं मिला है सर, क्यों धोखे में रख रहे हो, नहीं मिलता है। आप जहाँ रहते हो ना वो बहुत बड़ी जगह है, हम जहाँ रहते हैं ना हमसे पूछो, गली कूचे पानी थोड़े दिन ज़्यादा बरस जाए तो रास्ते कट जाते, गड्ढे गड्ढे भर जाते, खाना क्या मिलेगा। ये सब सिर्फ कहने की और सुनने की बात है, गरीबों को बेवकूफ़ बनाने की, क्योंकि बिहार के चुनाव हैं तो अब चलो भाई हम ना खाना बांट देंगे और इनको ऐसे टुकड़े फेंक देंगे, ये गलत बात है सर। इन गरीबों का मजाक मत बनाइए, इतनी ज़्यादा आपको मोहब्बत थी तो आप उन शहीदों को नमन देते, श्रद्धांजलि देते, एक शब्द तो बोलते आप अपने पूरे इस संबोधन में। हमें लगता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर आए हैं, संबोधन में कम से कम सर एक वर्ड तो बोलते आप चाइना के अगेंस्ट, एक कुछ तो बोलते, क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? किस बात का आपको डर है, किस बात का डर है, क्यों नहीं बोल रहे आप चाइना के खिलाफ? और मैप की बात तो हम कर नहीं रहे, तो आप ऐप हटवा रहे हैं। ऐप हटवा के क्या होगा, ऐप हटवा के आपने बदला ले लिया, 20 जवानों का बदला ले लिया, तो यानी कि सारे ऐप हटा देंगे तो हम चाइना से बदला हमने पूरा ले लिया, ये हाल है। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, ये जो एंकर है श्वेता नाम है उनका भी, आई एम ऑल्सो श्वेता, हु आर यू टू डिसाइड टू से दिस कि ये सेना का काम है पेट्रोलिंग करना और गवर्नमेंट का काम नहीं है? क्यों भाई, जिस वक्त पुलवामा में जब लोग शहीद हुए थे और अभिनंदन का जो ये हुआ था कार्यक्रम, उस वक्त तो सारी सेना की जो पावर थी, ऐसा लग रहा था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर घुस गए हैं पाकिस्तान के अंदर और वही फ्लाइट लेके एकदम वो लेके लड़ रहे हैं, और उन्होंने ही पूरा बॉम्ब फेंक दिया और पूरी उन्होंने ही किया सब कुछ, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया, पूरा क्रेडिट आपने सेना का उठा के प्राइम मिनिस्टर के माथे पर डाल दिया हमारे। तो फिर अब जब चाइना में, हमारे सीमा में, गलवान घाटी में घुस गए हैं चाइना के लोग, तो ये ढेकड़ा आप फिर सेना के सर पे क्यों फोड़ रहे हैं? कि ये तो सेना का काम होता है पेट्रोलिंग देखना, सेना का काम है पेट्रोलिंग करना, ये तो वही बात हो गई कि ये तो नर्स का काम है इंजेक्शन देना, डॉक्टर को क्या पता। अगर मैं ये कहूँ कि मैं कि इस पेशेंट को कौन सा इंजेक्शन चल रहा है ये मुझे नहीं पता है, तो आई एम स्टुपिड टू से दिस। नर्स बिना मेरे इजाज़त के डॉक्टर पेशेंट को कोई भी इंजेक्शन अपने मन से नहीं लगा सकती, उसी तरीके से सेना बिना गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के काम नहीं कर सकती। तो सेना का क्रेडिट जो आप सेना को बदनाम कर रही हो ना वहाँ बैठ के एंकर होगी टीवी पे, मत करो, बहुत ही गंदा और घटिया काम है। जो सेना हमारे लिए करती है ना उनको सैल्यूट है, वो एक दिन भी नहीं कर पाओगी, खुद तो इस रूम में बैठ के ना और वहाँ पे जवाब देना बड़ा मजा आता है, वहाँ हीरो हीरोइन बन के बैठ गए, मेकअप लगा के और खूब सारा बोल दिए हाँ हाँ ये तो ऐसे हुआ। आप सरकार को जिम्मेदार मत बनाओ, क्यों ना बनाओ, आप किसी भी चीज़ में सरकार को जिम्मेदारी लेने नहीं दे रही है, आप उनकी बचाव पे उतर आती हैं, क्यों भाई? आपको सरकार ने बचाव के लिए रखा है,
आप उनकी क्या ढाल हैं? सवाल तो पूछने दीजिए हमें। जब हम एक डॉक्टर हो करके और एक मरीज की जिंदगी की जिम्मेदारी हम ले सकते हैं, तो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होके पूरी इंडिया का जिम्मेदारी नहीं ले सकते? वो तो गार्जियन है हमारे, उनको ही तो लेना पड़ेगा ना। तो चाइना में गतिविधियां हुई, सॉरी पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर पे गलवान घाटी में गतिविधियां हुई चाइनीज की, और हमें पता नहीं चला, इंडियन सेना को पता नहीं चला, इंडियन डिफेंस को पता नहीं चला होगा, और इंडियन डिफेंस ने ये बात आगे नहीं बताई होगी, आपको ऐसा लगता है? ये तो वही बात हो गई ना कि नर्स ने इंजेक्शन लगाया और डॉक्टर को पता ही नहीं, ऐसा पॉसिबल है? नो। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर की होती है, उसी तरीके से सेना की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बिना गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये कहना कि पुलवामा घाटी में जब हुआ सब कुछ चुनाव के ठीक पहले, तो वो सारा कुछ मोदी सरकार ने किया क्योंकि मोदी जी थे, तो मुमकिन है। और अभी सेना का काम है पेट्रोलिंग करना, गवर्नमेंट का नहीं, सेना को समझना चाहिए था। हाउ शेमफुल टू से दैट, क्या करते हो यार तुम लोग टीवी एंकर, शर्म करो। एक दिन तुमको भेज दी जाएगी ना तो हालत ख़राब हो जाएगी। वो जो तुम बैठ के होटल के ऊपर, फाइव स्टार होटल के ऊपर बैठ के बताते हो ना कि ये गलवान घाटी, और कुछ और दिखा करके कुछ और बता देते हो, वैसा झूठ मत बोला करो। ये सब फालतू बातें जो वैसे भी जो 1996 में जो एग्रीमेंट बना था LAC के तहत, उसमें 2 किलोमीटर अवे दोनों जगह पे ये था कि शस्त्र नहीं ले जाने थे, लेकिन वो तब जब बॉर्डर मैनेजमेंट हो, जब बॉर्डर पे तकरार चल रही है उस वक्त नहीं। और ये कौन बोल रहा है? लेफ्टिनेंट जनरल HS पनाग उनके ट्विटर पे कि बॉर्डर मैनेजमेंट के वक्त शस्त्र नहीं ले जाना है, लेकिन जिस वक्त बॉर्डर पे तकरार हो हमारे सिपाहियों को खाली हाथ मत भेजना। और उन चाइनीज ने खुकरी और क्या क्या लेके हमारे लोगों को मार दिया, क्योंकि हमारे जो लोग थे वो निहत्ते थे। और इसका सबूत है वो बलवंत सिंह उनके फादर, जिनसे बात कर रहे थे वहाँ के एक सिपाही जो हरियाणा के, उन्होंने अपने आज तक के इंटरव्यू में ही कहा है कि बलवंत सिंह है, उनके बेटे ने बताया कि हम निहत्ते थे और उनके पास खुकरी थी और पता नहीं क्या रॉड थे और क्या क्या थे। शर्म आती है आप लोगों को? शर्म नहीं आती है तो बोलो, मैं यहाँ से पानी भेज देती हूँ, डूब मरो जाके। एंकर्स को बोल रही हूँ, डूब मरो, शर्म करो। और अभी थोड़ा और शर्म बाकी है, थोड़ा बिहार पे भी आते हैं। ये जो नल जल योजना जो आप कर रहे हैं हमारे नीतीश कुमार जी, पहले तो पंडित जी से मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा कि वो कब बाहर निकलेंगे अपनी गुफा से, ठीक है? उनकी जान को उनका बड़ा डर है, हमें तो खतरा है ही नहीं, हमें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, हम तो आदमी है ही नहीं। हाँ, हमें कोरोना हो जाए कुछ हो जाए, वी आर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। भाई 1,31,00,000 का घोटाला हुआ है नल जल योजना में, पता है आपको? इस कोरोना में तो छोड़ दो भाई, कितने घोटाले करोगे, कोरोना काल में तो जीने दो। और अभी लोकल मुद्दे पे भी मैं आती हूँ, यहाँ पानी भर गया जगह जगह पे, अभी आपको वीडियो टर्न करके इधर उधर दिखाऊंगी ना तो सारी जगह पे आपको पानी दिखेगा। मकई के दाम इतने सस्ते हो गए, किसानों को क्यों मार रहे हो, क्यों मार रहे हो? कुछ तो रेट किसानों के बढ़ा दो, कुछ तो करो, कुछ तो हमें लगे कि हम गवर्नमेंट के पास, या हमें लगे कि पता नहीं हम कौन सी देश में रहते हैं। और फिर से आप अपना वो चालू कर दोगे वर्चुअल रैली, और उसके बाद पैसा बांटते फिरोगे, इतने पैसे हैं ही तो गरीब को दे दो यार, क्यों भूखे मारते हो उनको, अच्छा लगता है क्या? डाइवर्ट करते हो दिमाग सबका, डाइवर्ट, डिवाइड एंड डाइवर्ट, डिवाइड एंड डाइवर्ट, कहीं कोई मुद्दा ना पूछ ले। तो मेरी आज यही बात मुझे कहनी थी कि टीवी एंकर्स कैसे बता सकते हैं कि सुशांत सिंह ने सुसाइड कर लिया? आप डॉक्टर तो हो नहीं कि आप डिसाइड कर लोगे बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के। टीवी एंकर्स ये कैसे बोल सकते हैं कि सेना की गलती है, उन्होंने पेट्रोलिंग सही से नहीं की? आप कौन होती है ये बोलने वाले? गवर्नमेंट को कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेने नहीं देंगे? ये तो बड़ा अच्छा बात, चित भी मेरा पट भी मेरा, हाँ मन मन भावे मूड हिलावे, ये काम मत करो भाई, ये अच्छा नहीं लगता। पढ़ाई और जो ये कमाई है ना, दोनों ही पलायन करके बिहार के लोग बड़ी मुश्किल से किसी तरीके से जी रहे हैं। नीतीश कुमार जी बाहर निकल जाइए, हमारे सुशांत सिंह राजपूत को हमें इंसाफ दिलवाना है, घर के अंदर मत बैठे चुप करके, कोरोना होना होगा ना तो वहाँ भी पहुँच जाएगा, आपकी उस मास्क से कुछ नहीं होता। मैं बताती हूँ, डॉक्टर हूँ समझ लीजिए, आपको होना होगा ना तो हो ही जाएगा, इतना डर लगता है तो CM क्यों बने बैठे हो, कुर्सी किसी और के दे दो ना, हम जैसों को दे दो, बता देंगे कि क्या होता है और किस तरीके से स्ट्रिक्टनेस की जाती है और कैसे काबू में रखा जाता है और किस तरीके से सही लोगों को सामान पहुँचता है, बता दूंगी मैं आपको। 2 दिन के अंदर में कुर्सी नहीं संभलती है तो बैठा मत करो आप वहाँ पे,
हट जाओ उस कुर्सी को छोड़ करके, इतना डर लगता है। तो एनी वेज आई थिंक इट्स प्रीटी हॉट हियर, काफ़ी गर्मी है। हमें तो आदत है, वो क्या है ना कि हम एसी रूम में उतना बैठ के बातें करने की हमें हैबिट तो है नहीं। हम है आम जनता, मैंगो वुमेन, तो हमें तो इसी तरीके से बात करने की आदत है। लाइट वाइट तो रहती है नहीं, पानी से भरा पड़ा है पूरा। मकई के मारे किसान जो हैं यहाँ पे बेचारे मर रहे हैं, लेकिन हमारे जो नीतीश कुमार जी हैं उनको तो डर लग रहा है कहीं कोरोना ना हो जाए उनको। पर तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको कोरोना होना होगा तो आप अपनी गुफा में जहाँ बैठे हो आपको वहाँ पर भी हो सकता है, इसीलिए आप अपनी गुफा में मत बैठो। और अगर कुर्सी संभाल नहीं सकते हो तो कुर्सी किसी और को दे दो यार, क्यों बर्बाद कर रहे हो। हाँ, किसी और मजबूत हाथों में दे दो जो उसको संभाल सके। समझ में तो आ गई ना कि उम्र हो गई आपकी, अब पता ही है कि उम्र हो गई, ये तो समझ जाओ ना कि उम्र हो गई सीएम की भी और पीएम की भी। तो छोड़ तो दो कुर्सी, बख्श तो दो। खाली वो डिजिटल ऐप पे बैन करके आपने ये जवाब दिया है 20 शहीदों का, पीएम रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर सर, डिजिटल सब कुछ करोगे क्या आप? हाँ, सब कुछ डिजिटल होता जाएगा लाइफ में। डिजिटल ऐप बंद करा दिया, डिजिटल वार कर रहे हो आप लोग, क्या कर रहे हो यार, गेम खेल रहे हो क्या? बस कीजिए, कुर्सियाँ छोड़ दीजिए आप लोग, अपनी अपनी हट जाइए। आप लोग से अच्छा तो मैं ही संबोधन कर देती हूँ, कम से कम अपने इस पूरे संबोधन के दौरान मैंने सुशांत सिंह के बारे में भी बोला, नीतीश कुमार के बारे में भी बोला, शेखर सुमन जी के बारे में भी बोला, तेजस्वी यादव जी के बारे में भी बोला, प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी बोला, चाइना के बारे में भी बोला, और HS पनाग के बारे में भी बोला, श्वेता जो एंकर हैं आज तक की झूठ बोलने वाली उनके बारे में भी बोला। पर आप तो सर आते संबोधन में आपने चाइना में के हमारे 20 लोग शहीद हो गए उनके बारे में आपने एक वर्ड नहीं बोला, एक वर्ड नहीं। नेशन वांट्स टू नो सर, नेशन वांट्स टू नो। एंड टू आवर रिस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर सर, वेयर आर यू, प्लीज़ कम आउट ऑफ योर केव। और अगर आप अपनी कुर्सी नहीं संभाल सकते हो तो सर प्लीज़ दान कर दो, प्लीज़ छोड़ दो कुर्सी, कुर्सी का मोह त्याग दो। अब आपकी उम्र हो चुकी, आपने खुद भी मान लिया, आप छुप के बैठे हो, कुर्सी छोड़ दो सर, थैंक यू वेरी मच। यंग लीडर्स की बहुत ज़रूरत है इस देश में, जो सच्चाई बोल सके, जो सच बोल सके और मुंह पे बोल सके। और मैं किसी से डरती नहीं, हिम्मत वाले जो होते हैं ना वो किसी भी चीज़ से नहीं डरते, मौत से भी नहीं। कोरोना तो छोड़ ही दो, कोरोना से इतना डर लगता तो हम सबका इलाज नहीं कर रहे होते बैठ के, आप लोग की तरह छुप के नहीं बैठे होते। छोड़ दो कुर्सी, इतनी बार बोल दी, 5 बार तो मैं ही बोल चुकी हूँ, CBI इंक्वायरी करवाओ, दूध का दूध पानी का पानी होगा सुशांत सिंह राजपूत का। और कुर्सी छोड़ दो, बस करो, कुर्सी के लायक नहीं हो आप। थैंक यू। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें।